ये बात 75 साल पहले की है। साल 1948 में इजराइल और अरब देशों के बीच एक जंग छिड़ी। इस जंग में एक तरफ इजराइल था तो दूसरी तरफ थे सऊदी अरब, मिस्र, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया और इराक। लेकिन दुनिया तब हैरान रह गई जब 10 महीने चली इस लंबी लड़ाई के बाद अरब वर्ल्ड ने घुटने टेक दिए। एक साथ 6 देशों को हराकर इजराइल ने न सिर्फ अपनी जमीन बचाई बल्कि आधी यरूशलम सिटी और फिलिस्तीन के कुछ हिस्सों पर भी कब्जा कर लिया। इस जीत के बाद इजराइल दुनिया के नक्शे पर एक बेहद ताकतवर देश बनकर उभरा। लेकिन अरब वर्ल्ड की इस हार से फिलिस्तीन ने अपनी जमीन खो दी, इसीलिए फिलिस्तीन के लोग इजराइल से काफी खफा थे। इस वजह से फिलिस्तीन के कुछ लोगों ने इजराइल के खिलाफ हथियार उठा लिए। इन्होंने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, इन्हीं में से एक था PIJ। PIJ यानी कि फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद। इसका एक ही मकसद था, वेस्ट बैंक, गाजा और पूरे के पूरे इजराइल वाले इलाके को मिलाकर इस्लामी फिलिस्तीन स्टेट बनाना। लेकिन जो इजराइल 6 बड़े बड़े देशों से नहीं डरा, वो इन छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन से क्या डरता। खैर, इस जंग को हारने के बाद अरब कंट्रीज को लगा कि हो सकता है कि इजराइल अपनी अच्छी किस्मत से या उनकी किसी गलती की वजह से जंग जीत गया। इसीलिए साल 1967 में उन्होंने इस गलती को फिर से दोहरा दिया, इजराइल पर अटैक करके। दरअसल जॉर्डन, इजिप्ट, लेबनान और सीरिया, ये चारों इजराइल के पड़ोसी देश थे। हुआ यूं कि मई 1967 में इजिप्ट और जॉर्डन के बीच एक अकॉर्ड साइन होता है जिसमें लिखा था कि अगर इजराइल किसी भी एक देश पर हमला करता है तो दूसरा देश उसका साथ देगा, उसे बचाएगा। इस अकॉर्ड के साइन होने के ठीक एक महीने बाद ही इजराइल और इजिप्ट के बॉर्डर पर जंग शुरू हो जाती है। इजिप्ट का साथ देने के लिए जॉर्डन, कुवैत, इराक, सीरिया, सऊदी अरब, सूडान, लेबनान और अल्जीरिया भी आ गए। यानी कि इजराइल अकेला एक तरफ और 8 देश दूसरी तरफ। क्योंकि ये जंग जून के महीने में हो रही थी, इसीलिए इसे जून वॉर कहा गया। कहते हैं कि इन 8 देशों ने जॉर्डन में अपना आर्मी बेस बनाया ताकि इजराइल पर आसानी से अटैक किया जा सके। लेकिन इनके अटैक करने से पहले ही इजराइल ने अटैक कर दिया। इजराइल का मानना था कि अगर उसे जंग जीतनी है तो पहले अटैक करना होगा। 5 जून 1957 इजरायली एयरफोर्स ने जॉर्डन के आर्मी बेस पर अटैक कर दिया। यहां इजिप्ट के 400 फाइटर जेट्स खड़े थे जिन्हें इजराइल ने एक ही झटके में खत्म कर दिया। इस बात से नाराज होकर 8 देशों की सेना इजराइल की बॉर्डर पर जमा होने लगी। लेकिन इजराइल ने जमीनी लड़ाई में ना सिर्फ इन्हें बुरी तरह से हराया बल्कि गाजा पट्टी को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। पिछली बार 6 देशों के साथ उसकी जो जंग 10 महीने तक चली थी, इस बार 8 देशों के साथ चली इस भयानक लड़ाई को उसने सिर्फ और सिर्फ 6 दिनों में ही खत्म कर दिया। अरब वर्ल्ड हार गया और इजराइल ने शानदार फतेह हासिल की। कहते हैं कि इजरायली आर्मी ने इस जंग को इतना जी जान से लड़ा था कि एक तरफ जहां उसके 1000 सैनिक मरे थे, वहीं अरब कंट्रीज के 25,000 से भी ज्यादा सैनिक मारे गए थे। अकेले इजिप्ट के ही 15,000 सैनिक मारे गए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन इस पूरी स्टोरी में ईरान कहाँ है? ईरान ने ना तो इजराइल पर अटैक किया, ना ही ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं। मैप में देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे से करीब 2,000 किलोमीटर दूर हैं, इसलिए इनमें बॉर्डर इशू भी नहीं हो सकते। इतिहास में जाकर देखा जाए तो पता चलता है कि एक वक्त पर ईरान इजराइल का सबसे अच्छा दोस्त था। इतना कि इजराइल की आर्मी ईरान के शाह के कमांडोज को ट्रेनिंग देती थी। ये दोनों कंट्रीज एक साथ मिलकर न्यूक्लियर मिसाइल भी डेवलप करने वाली थी। इतना ही नहीं, इजराइल के लोग तो ईरान को कंट्री ऑफ एम्परर साइरस द ग्रेट का देश भी कहा करते थे। 40 सालों तक ये दोनों देश बेस्ट फ्रेंड्स रहे। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया
कि आज ये दोनों जंग की कागार पर खड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, इसराइल ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका साथ नहीं भी देता तो वो अकेले ही ईरान पर अटैक कर देगा। ईरान और इसराइल के बीच दुश्मनी इतनी बढ़ चुकी है कि एक्सपर्ट्स खुद कह रहे हैं कि आने वाले कुछ वक्त में इसराइल और ईरान भी ठीक वैसे ही लड़ेंगे जैसे आज रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि इस जंग की आखिर वजह क्या है? इसराइल और ईरान दो जिगरी दोस्तों के जानी दुश्मन बनने की कहानी आखिर क्या है? ये जानने के लिए हमें चलना होगा इतिहास के उस दौर में जब ईरान की जगह दुनिया के नक्शे पर फारस दिखाई देता था। फारस एक वक्त पर ईरान, इराक, आर्मेनिया, तुर्की, अजरबैजान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, मिडल ईस्ट और मिस्र जैसे सभी देश फारस साम्राज्य का हिस्सा थे, जिसे पर्शियन एम्पायर भी कहा जाता था। लेकिन धीरे धीरे अरब मुस्लिमों के अटैक के कारण पर्शियन एम्पायर का एरिया घटता गया और एक वक्त ऐसा आया जब ये खाली ईरान तक ही सिमट कर रह गया। ईरान को उस वक्त पर्शिया कहते थे और यहाँ रहने वाले लोगों को ईरानी या पर्शियन कहा जाता था। इन लोगों के देश में यहूदियों को भी सम्मान से जीने का हक था। यहूदी यानी कि जूस, ये वो कौम थी जिससे क्रिश्चियन और काफी हद तक मुस्लिम भी नफरत किया करते थे। इसी वजह से जहां जहां भी यहूदी लोग रहते थे वहां उन्हें खूब परेशान किया गया, उनके घर तोड़े गए, एक साथ कई कई लाख यहूदियों की हत्याएं की गई। दुनिया भर के तानाशाहों और अलग अलग धर्म के लोगों ने इन पर खूब जुल्म ढाए। इसी वजह से बहुत से यहूदी लोग फिलिस्तीन की खाली पड़ी जमीन पर आकर बसने लगे। धीरे धीरे इस पर्टिकुलर एरिया में इतने यहूदी इकट्ठा हो गए कि इन्होंने अपना एक अलग देश बना लिया जिसका नाम पड़ा इसराइल। 1948 में जब इसराइल बनता है तो अरब देश इससे बहुत नाराज होते हैं। उन्हें लगा कि ये तो मुसलमानों की जमीन थी, जबकि सच तो ये था कि उस वक्त ये जमीन खाली पड़ी थी। खैर, नाराज अरब कंट्रीज ने इसराइल को देश मानने से ही इनकार कर दिया। ऐसे ही नाराजगी अरब कंट्रीज की ईरान के साथ भी थी। वो इसलिए क्योंकि जैसे जैसे वक्त बदला वैसे वैसे पर्शियन लोगों का देश ईरान शिया मुसलमानों का देश बन गया, क्योंकि शिया और सुन्नी मुस्लिम एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और अरब वर्ल्ड पर सुन्नी मुस्लिमों का राज था, इसीलिए अरब देश ईरान से भी नफरत करते थे। यही कारण था कि ईरान ने इसराइल की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इस दोस्ती के पीछे का दूसरा बड़ा कारण अमेरिका भी था। दरअसल इसराइल को बनाने में अमेरिका ने काफी मदद की थी। इसराइल को अमेरिका का पूरा सपोर्ट था। उस दौर में ईरान और अमेरिका भी अच्छे दोस्त थे। अब दोस्त का दोस्त भी तो दोस्त ही होता है, इसीलिए इसराइल, अमेरिका और ईरान तीनों एकजुट हो गए। 1958 में ईरान इसराइल को देश के तौर पर मान्यता देने वाली दूसरी कंट्री बना। इससे पहले सिर्फ टर्की ने ही ऐसा किया था। इसराइल को इकोनॉमिकल सपोर्ट देने के लिए ईरान ने यहाँ से गुड्स इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। वहीं इसराइल की जरूरत का 40% ऑयल भी ईरान से ही आता था। 1950 में जब ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया तब भी इसराइल ने उसका साथ दिया। 1977 में इन दोनों देशों ने प्रोजेक्ट फ्लावर शुरू किया। इस प्रोजेक्ट के तहत ईरान और इसराइल एक ऐसी मिसाइल डेवलप करने वाले थे जो न्यूक्लियर वेपन तक को लेकर जा सकती थी। मतलब समझ रहे हैं आप, यानी कि वो इसराइल जो ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को आज चुन चुन कर मरवा रहा है, वो ही एक वक्त पर ईरान को न्यूक्लियर पावर बनाने में लगा था। इसराइल के लोग ईरान को साइरस तक ग्रेट का देश भी कहते थे। 40 सालों के उस टाइम पीरियड में इसराइल ने दो बार अरब वर्ल्ड को हराया था। इस वजह से दुनिया भी इसराइल का लोहा मानने लगी थी। इसराइल इतना ताकतवर हो चुका था कि फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी जैसे एरिया भी इसराइल के कंट्रोल में आ चुके थे। यानी कि एक तरह से पूरा का पूरा फिलिस्तीन ही इसराइल बन गया था। इस बात से दुनिया भर के मुस्लिम देश
इजराइल के दुश्मन बन बैठे थे, लेकिन ईरान अब भी उसका दोस्त था। पर इस कहानी में ट्विस्ट आता है 1979 के ईयर में, जब ईरान के लोगों ने अपने आखिरी डिक्टेटर शाह मोहम्मद रजा पहलवी के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का मकसद था ईरान को एक मुस्लिम कंट्री बनाना और उसी हिसाब से कायदे कानून बनाना। ईरान की ये क्रांति इतने बड़े पैमाने पर होती है कि पहलवी की सरकार गिर जाती है और एक मुस्लिम धर्मगुरु आयतुल्ला खुमेनी ईरान के नए लीडर बनते हैं। खुमेनी की लीडरशिप में ईरान पूरी तरह से बदल गया। खुमेनी मानते थे कि वेस्टर्न कंट्रीज मुसलमानों के दुश्मन हैं, वहीं इसराइल की जमीन पर फिलिस्तीन के मुसलमानों का हक है। इसीलिए उन्होंने आते ही इसराइल के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए। उन्होंने इसराइली एम्बेसी को खाली करवा दिया और उसे फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को सौंप दिया, जो फिलिस्तीन की आजादी की बात करता था। इस बात से खफा होकर इसराइल ने हाथों हाथ प्रोजेक्ट फ्लावर बंद कर दिया और एक ही झटके में ये दोनों जिगरी दोस्त दुश्मन बन गए। लेकिन ये दुश्मनी अब और भी गहरी होने वाली थी, क्योंकि आने वाले वक्त में पूरा सिनेरियो तेजी से बदलने वाला था, जिसके पीछे की सबसे बड़ी वजह बना अमेरिका। वो इसलिए क्योंकि 1980 में इराक और ईरान के बीच वॉर शुरू हो जाता है। एक तरफ थे ईरान के आयतुल्ला खुमेनी और दूसरी तरफ थे इराक के सद्दाम हुसैन। वैसे तो इस लड़ाई में अमेरिका इराक का साथ दे रहा था, लेकिन हथियार उसने दोनों देशों को बेचे। जब जंग खत्म हुई तो 1988 में यूएन ने इराक और ईरान के बीच एक पीस अकॉर्ड साइन करवा लिया, लेकिन इसके ठीक दो साल बाद यानी कि साल 1990 में इराक के डिक्टेटर सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला बोल दिया। इसी के साथ ही दुनिया का पहला गल्फ वॉर शुरू हो गया। लेकिन यहाँ पर अमेरिका ने अपनी साइड बदल ली। जो अमेरिका अभी तक इराक का दोस्त था, अब वो कुवैत का दोस्त बन गया। अमेरिका के साथ 38 देशों ने मिलकर इराक के खिलाफ एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। 8 साल तक चली इस जंग में यूएस आर्मी ने इराक को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अमेरिका की इस हरकत से खफा होकर कई मुस्लिम देशों के लोग उसके विरोध में उतर आए। इन्हीं में से एक था ईरान। ईरान की सरकार अमेरिका के पूरी तरह खिलाफ हो गई और इसराइल अमेरिका का दोस्त था, इसीलिए इसराइल से उसकी दुश्मनी और बढ़ गई, इतनी कि ईरान इसराइल को छोटा शैतान और अमेरिका को बड़ा शैतान कहकर बुलाने लगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की वजह से अरब कंट्रीज इसराइल के करीब आने लगी थी, इसलिए इसराइल का खुलकर विरोध करने के लिए सिर्फ ईरान ही बचा। ईरान का कहना था कि फिलिस्तीन की जमीन को इसराइल ने जबरदस्ती हड़प लिया है, जिसके बाद ईरान को लेबनान, सीरिया और फिलिस्तीन के लोगों का भारी समर्थन मिलने लगा। इन देशों के सैनिक, आर्मी जनरल और जनता ईरान को सपोर्ट करने लगे और इन्हीं की मदद से ईरान ने 2000 किलोमीटर दूर बैठकर इसराइल के बॉर्डर्स पर एक प्रॉक्सी वॉर शुरू कर दिया। इस वॉर का सबसे बड़ा जरिया बने फिलिस्तीन के वो ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने इसराइल के खिलाफ हथियार उठाए थे। ये भी दो धड़ों में बंटे थे। कुछ इसराइल से बात करके शांति से जीना चाहते थे तो कुछ इसराइल को ही खत्म कर देना चाहते थे। दूसरी तरह के इन संगठनों को यूएन ने आतंकी संगठन घोषित कर दिया था और इन्हीं टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को फंडिंग करता था ईरान। यूएन पीआईजे यानी कि फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद को भी आतंकी संगठन घोषित कर चुका था, जिसे साल 1988 में ईरान ने 16 करोड़ रुपए का फंड दिया था। इस पैसे से पीआईजे ने लोकल लेवल पर हथियार बनाए, रॉकेट बनाए, सुसाइड बॉम्बर्स बनाए और इसराइल में एक के बाद एक ब्लास्ट करवाने शुरू कर दिए। लेबनान में हिजबुल्ला और गाजा में हमास जैसे टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को भी ईरान ने ही पैसा दिया। अपने इस लड़ाई को बड़े लेवल तक लाने के लिए साल 2000 में ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से शुरू कर दिया, जिसके बाद अमेरिका, इसराइल और अरब वर्ल्ड की टेंशन बढ़ गई। अरब वर्ल्ड इसलिए टेंशन में था क्योंकि अरब कंट्रीज अपनी सिक्योरिटी और हथियारों के लिए
95% तक अमेरिका पर डिपेंडेंट थी। उन्हें ये डर था कि कहीं ईरान अपने एटॉमिक वेपन उनके खिलाफ इस्तेमाल ना कर दे। वहीं अमेरिका को लग रहा था कि अगर ईरान एटॉमिक पावर बन जाता है तो कहीं वो अरब कंट्रीज और इजराइल में बने उसके मिलिट्री बेस पर हमला ना कर दे। इजराइल के साथ तो ईरान का प्रॉक्सी वॉर चल ही रहा था, इसीलिए अरब कंट्रीज के पेट्रोडॉलर और इजराइल की टेक्नोलॉजी और मिलिट्री पावर ईरान को रोकने में लग गई। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान की जासूसी शुरू कर दी और मोसाद को साथ मिला अमेरिका की CIA का। लेकिन इसी बीच साल 2006 में फिलिस्तीन में इलेक्शन होते हैं। इस चुनाव में जीत होती है हमास की। अभी तक फिलिस्तीन में PLO यानी कि फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की फतेह पार्टी की सरकार थी। फतेह इसराइल के साथ बातचीत करने के पक्ष में थी, जबकि हमास इसराइल को ही मिटा देना चाहता था। हमास के सत्ता में आने के एक साल बाद यानी कि साल 2007 में फिलिस्तीन के अंदर ही सिविल वॉर शुरू हो जाता है। यहाँ आधे लोग PLO के समर्थन में आ गए और आधे हमास के। ये आपस में लड़ने लगे और हालात इतने बिगड़ गए कि फिलिस्तीन दो हिस्सों में बंट गया। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक वाला हिस्सा PLO को मिला, वहीं गाजा वाला एरिया हमास को मिला। क्योंकि वेस्ट बैंक पर PLO का कब्जा था, इसीलिए वहां शांति थी। वहीं दूसरी तरफ गाजा पर हमास का कब्जा था। हमास लगातार इसराइल पर हमले कर रहा था, इसीलिए इसे टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया। यानी कि गाजा का पूरा हिस्सा अब इसराइल के खिलाफ बने सभी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस का अड्डा बन गया, जिन्हें फंडिंग कर रहा था ईरान। कहते हैं कि ईरान की वजह से यहाँ के छोटे मोटे आतंकी संगठनों के पास भी रॉकेट और मिसाइल जैसे बड़े बड़े हथियार आ गए। इसीलिए ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना इसराइल और अमेरिका के लिए बेहद जरूरी हो गया था। यही कारण था कि CIA और मोसाद ने मिलकर एक मिशन शुरू किया। इनका टारगेट थे वो साइंटिस्ट और आर्मी इंटेलिजेंस जो ईरान के लिए न्यूक्लियर वेपन बना रहे थे। इन्हीं में से एक थे जनरल कासिम सुलेमानी। कासिम सुलेमानी ईरान की स्पेशल फोर्स के कमांडर इन चीफ थे। 3 जनवरी 2020 की रात को वो एक सीक्रेट विजिट पर इराक की कैपिटल सिटी बगदाद पहुंचे। जैसे ही वो कार में बैठ रहे थे, वैसे ही CIA का एक रॉकेट उनकी कार पर आ गिरा और सुलेमानी वहीं ढेर हो गए। कहते हैं कि ईरान की जनता के बीच जनरल कासिम सुलेमानी प्रेसिडेंट हसन रूहानी से भी ज्यादा फेमस थे। उनकी हत्या ईरान के लिए एक बड़ा झटका थी। ईरान ने बदला लेने की धमकी भी दी, लेकिन इस बात से बेफिक्र मोसाद और CIA अपने अगले टारगेट की तरफ बढ़े और ये टारगेट था अबू मोहम्मद अलमासरी। अबू मोहम्मद अलमासरी ओसामा बिन लादेन का समधी था और अलकायदा में नंबर 2 की पोजीशन पर था। वो तेहरान सिटी में हबीब दाऊद के नाम से छिपकर बैठा था। 7 अगस्त को कुछ लोगों ने मासरी और उसकी बेटी का उसी की कार में मर्डर कर दिया। ईरान ने इस मामले को दबाने की कोशिश की, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN ने साफ कर दिया कि मासरी को मोसाद के सीक्रेट एजेंट्स ने मारा है। क्योंकि ईरान ने एक आतंकी को छिपा कर रखा था, इसलिए वो इस हत्या पर चुप रहा। लेकिन मोसाद और CIA यही नहीं रुके, वो अपने तीसरे टारगेट की तरफ बढ़ते हैं और ये टारगेट था मोहसिन फकरीजादे। मोहसिन फकरीजादे एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। वो ईरान के एटमी प्रोग्राम के हेड थे। 27 नवंबर 2020 को जब वो अपनी कार में बैठे थे, तब कुछ लोगों ने उनकी कार पर अटैक करके उनकी हत्या कर दी। मोहसिन फकरीजादे को भी ठीक वैसे ही मारा गया जैसे मासरी को मारा गया था। हैरत की बात तो ये है कि इन दोनों का मर्डर तेहरान सिटी में ही हुआ था, जो कि ईरान की कैपिटल सिटी है। सिर्फ 3 महीने में ही इन दोनों का कत्ल कर दिया गया। ईरान ने इस मर्डर का इल्जाम मोसाद पर लगाया, क्योंकि इससे पहले साल 2010 से 2012 के बीच ईरान के 4 और न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी मारे गए थे। ये सभी मोहसिन के साथ काम करते थे और इन्हें भी मोसाद ने ही मारा था। हालांकि ईरान के इन आरोपों पर इसराइल और अमेरिका ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हकीकत से दुनिया वाकिफ थी।
साल 2010 से 2023 के बीच अमेरिका और ईरान के रिश्ते लगातार बदलते रहे। साल 2015 में जब बराक ओबामा अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, तब अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील तक साइन हुई थी। लेकिन साल 2017 में जब रिपब्लिकन पार्टी के लीडर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने, तो उन्होंने न सिर्फ इस डील को कैंसिल किया बल्कि ईरान पर सख्त पाबंदियां लगा दी। अब जब फिर से डेमोक्रेटिक पार्टी रूलिंग है अमेरिका में और जो बाइडन प्रेसिडेंट बने हैं, तो उनका रवैया भी ईरान के लिए काफी नरम है। मतलब साफ है कि अमेरिका में जब भी डेमोक्रेटिक पार्टी रूल करती है, तो वो ईरान के साथ नरम रवैया अपनाते हैं, और जब भी रिपब्लिकन पार्टी रूल करती है, तब वो ईरान के खिलाफ काफी सख्त रवैया अपनाते हैं। हालांकि इसराइल के साथ ऐसा नहीं है। इसराइल और ईरान के रिश्ते वक्त के साथ साथ खराब ही हुए हैं। अप्रैल 2023 में ईरान ने इसराइली एयरफोर्स को ये कहते हुए ब्लेम किया कि इसराइल की एयरफोर्स ने सीरिया पर हमला किया, जिसमें ईरान के कुछ सैनिक मारे गए। दूसरी तरफ इसराइल का ये सवाल था कि ईरान के सैनिक सीरिया में क्यों आए थे, वहां उनका क्या काम था। ईरान के गवर्नमेंट और फौज ने ये तो नहीं बताया कि सीरिया में ईरान के सैनिक क्या कर रहे थे। उल्टा इन्होंने इसराइल को धमकी देते हुए कहा कि अगर इसराइल हमला कर सकता है, तो हम भी इसकी काबिलियत रखते हैं, सही वक्त आने पर जवाब जरूर दिया जाएगा। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के करीबी कैबिनेट मंत्री जाची हिंगबी ने भी फरवरी 2023 के अपने स्टेटमेंट में कहा था कि अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ हमारा साथ नहीं देता या उससे कोई डील करता है, तो हमें इसकी फिक्र नहीं है। इसराइल अकेले ईरान पर हमला करके उसके एटमी ठिकाने को तबाह कर देगा। अमेरिका इसराइल का साथ देगा या नहीं, ये तो उसने साफ नहीं किया है। लेकिन जो बाइडन ये जरूर कह रहे हैं कि ईरान को डिप्लोमेटिक तरीके से एटमी हथियार हासिल करने से रोका जा सकता है। हालांकि इसराइल उनकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। दोस्तों, सेंटर फॉर ईरानियन स्टडीज इन लंदन के निदेशक अली नूरी जादे ने फरवरी 2014 में अपनी एक रिपोर्ट में ये दावा किया कि ईरान टेरर ऑर्गेनाइजेशन PIJ को हर साल 100 से लेकर 150 मिलियन डॉलर तक की फंडिंग करता है, यानी कि वो हर साल 793 करोड़ रुपए से 1200 करोड़ रुपए तक की फंडिंग PIJ को दे रहा है। इसी वजह से PIJ 1990 से ही लगातार सुसाइड बॉम्बर्स तैयार करके ब्लास्ट करवाता रहा है। दोस्तों, ईरान ने इसराइल के खिलाफ जितने भी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट किया है, उनका बेस गाजा स्ट्राइप में है। इन आतंकी संगठन के नेता खुद तो आराम से सीरिया, लेबनान और ईरान जैसे देशों में छिपकर बैठे हैं, लेकिन वो फिलिस्तीन के दूसरे लोगों को टेररिस्ट या सुसाइड बॉम्बर्स बनाकर मरने के लिए तैयार कर रहे हैं। गाजा की तरफ से होने वाले हमलों से खुद को बचाने के लिए इसराइल ने आयरन डोम बना रखे हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जो इसराइल की तरफ रॉकेट आते ही एक्टिव हो जाता है और उस रॉकेट के रास्ते को एनालाइज करता है। इससे ये पता चलता है कि आखिर ये रॉकेट कहाँ गिरने वाला है और क्या ये इसराइल के लिए खतरा है। अगर ये रिहायशी इलाके पर गिरने वाला होता है, तो किसी मोबाइल यूनिट या स्टैटिक यूनिट से तुरंत एक इंटरसेप्टर लॉन्च होता है, जो रॉकेट को हवा में ही खत्म कर देता है। ये आयरन डोम 90% तक सेफ है, इसीलिए गाजा और इसराइल की लड़ाई को इसराइल के लोग किसी लाइव शो की तरह एंजॉय करते हैं। जब भी इन दोनों के बीच रॉकेट से जंग होती है, तब इसराइल के लोग ऊंचे ऊंचे टीलों पर चढ़ जाते हैं। कुछ लोग अपने साथ चेयर्स भी लाते हैं और बकायदा पॉपकॉर्न खाते हुए गाजा पर बमबारी का मजा लेते हैं। कई बार इसराइल से इस तरह की तस्वीरें सामने भी आ चुकी हैं, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुई थी। इसराइल ने खुद को एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस कर रखा है और ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट की तरह ही वो गाजा के आतंकियों और टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर्स को भी चुन चुन कर मार रहा है। पिछले कई सालों में PIJ और हमास के कई सारे लीडर्स को इसराइल ढेर कर चुका है, लेकिन कई बार रॉकेट अटैक और सुसाइड बॉम्बिंग की वजह से इसराइल के लोग भी मारे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ तो फिलिस्तीन में खून खराबा आम हो चुका है। अगर इन सब के बीच कोई नुकसान से बचा हुआ है, तो वो है ईरान।
क्योंकि ईरान खुद इसराइल से काफी दूर है और यहाँ के लोग सुरक्षित हैं। दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि इसराइल और फिलिस्तीन ने कभी अपने इश्यूज को सुलझाने की कोशिश ना की हो। दो बार ऐसा हुआ था जब इन दोनों देशों के बीच जंग हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाली थी, लेकिन फिलिस्तीन के टेरर ऑर्गेनाइजेशंस जिन्हें ईरान सपोर्ट करता है उन्होंने कभी भी ऐसा होने नहीं दिया। अब जब शांति नहीं होगी तो लड़ाई होगी। खैर दोस्तों ये थी इसराइल और ईरान के दोस्त से दुश्मन बनने की पूरी कहानी। इनमें कौन सही है और कौन गलत, इस पर आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ये बताना ना भूलें कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक तरफ जहां ईरान दुनिया की 17वीं सबसे बड़ी कंट्री है, वहीं इसराइल के पास सिर्फ इंडिया के मिजोरम स्टेट जितना ही एरिया है। एक ईरान में कई इसराइल समा सकते हैं, लेकिन फिर भी इस देश ने अपने आप को इतना प्रोटेक्टेड करके रखा है कि अगर जंग होती है तो इससे जीत पाना आसान नहीं होगा। इसराइल और ईरान में किसके पास कितनी स्ट्रेंथ है और अगर दोनों देशों में वॉर होता है तो किसका पलड़ा भारी होगा, इस पर भी हम आपके लिए एक रिपोर्ट लेकर आएंगे, लेकिन आपको हमें कमेंट करके पहले बताना होगा। दोस्तों इस रिपोर्ट को हमने पूरे फैक्ट चेक के बाद तैयार किया है। वीडियो के सोर्स लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप अपने सजेशन हमें इस मेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। हम मिलेंगे आपको अगली रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।